हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, कटिंग सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और एक ब्लॉग हमने डाल दिया। भाई ब्लॉग आने में टाइम लग जाता है, उसके लिए सॉरी। और हमने पहले करी थी चेस्ट और ट्राइसेप्स। सुबह हमने करी थी चेस्ट, शाम को करी थी ट्राइसेप्स। तो आज हम सुबह करेंगे बैक और शाम को करेंगे हम बाइसेप्स। सुबह कार्डियो, शाम को एब्स। तो चलिए जिम में चलते हैं और आज का वर्कआउट आपको दिखाते हैं कैसे करना है, कितने रैप्स निकालने हैं, कितने सेट करने हैं। और इससे जो अगला जो व्लॉग आएगा वो डाइट के लिए आएगा, वो मैं परसों डालूंगा। तो इस व्लॉग में बने रहे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जिम में आ चुके हैं और अब भी चल रहा है अपना वार्म अप। वार्म अप करना बहुत जरूरी है, मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूँ। अभी वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप करके अब चलते हैं फिर बैक। अभी करेंगे बैक और उसके बाद फिर इवनिंग करेंगे हम बाइसेप्स। तो वार्म अप ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, 10 मिनट 5 मिनट जो भी कर रहे हो अच्छा सा वार्म अप करके, और फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और हम दो एक्सरसाइज एक साथ लेंगे क्योंकि हम कटिंग फेस पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी करते हैं हम पुलअप्स। पुलअप्स के करेंगे हम 4 सेट। मैं करता हूँ 15-20, पहला सेट में 25 भी करता हूँ, और जिस भाई से कम 10 तो करने ही है। तो चलिए पहले करते हैं पुलअप्स। पुलअप्स हमारे बैक के लिए बहुत जरूरी है, और वाइड ग्रिप करें। चार सेट करें और रेपिटेशन किसी से 10 होंगी, 10 तो मिनिमम करनी है, उससे ज़्यादा कर दोगे तो आपके लिए बेटर है। तो ये हम सिंगल ही एक्सरसाइज लगाएंगे पुलअप्स की, और चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज वाइड ग्रिप करेंगे, लेट पुल डाउन, और पहला सेट में रहेगा अपना 25 रैप्स, और इसके 4 सेट करेंगे हम, और मिनिमम 20 रैप हमें करने ही करने हैं। यस, और इसमें चेस्ट को ना अप करके रखें, ऐसे एकदम ऐसे डल नहीं बैठना है, चेस्ट को बिल्कुल अप करके रखें। मैं आपको कम करके दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम एक एक्सरसाइज और लेंगे, आइए। अल्टरनेट करनी है, पहले वो फिर वो, दो एक्सरसाइज एक साथ करनी है। आप कोई भी जॉइंट कर लो उसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेपिटेशन का ध्यान रखें, 20-25 20-25 20-25 हर सेट में वेट बढ़ाएं, लास्ट वाला सेट ड्रॉप करें, ड्रॉप सेट करना बहुत जरूरी है। जल्दी चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दूसरी, इससे करेंगे हम सिंगल हैंड केबल को केबल से कर लेंगे। चलिए इसमें भी चेस्ट को अप रखना है, ऐसे मतलब ऐसे डाउन नहीं बैठना है, चेस्ट को अप करके रखना है। सॉरी यार, ये नीचे तो करना ही भूल गया यार मनोज भाई। यस, दिमाग चटक जाता है गर्मियों में। कंप्लीट इसको पीछे ले, यस, और एक साइड करें हैं 20-25 रैप। ठीक है, और उसके साथ अपनी दूसरी एक्सरसाइज। सेम इसके भी वही 20-25 रैप, लास्ट वाला सेट ड्रॉप होगा,
टॉप साइड जरूर करना है। ठीक है, चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। गो, अगली एक्सरसाइज करते हैं अपनी स्टार्ट। चार एक्सरसाइज होगी हमारी, पुलअप्स को लगा के पाँच होगी, दो अब हम करेंगे, तो हमारी छः सात एक्सरसाइज हो जाएंगी और यहीं पे कर देंगे हम बैक खत्म। तो चलिए अब करते हैं वी ग्रिप। 1, 2, 10, 15, 20, 25 रैप्स। ठीक है, इसके साथ लेंगे हम बेंच पे डंबल। हाय, ओ इसमें तो अपना माइक दिक्कत दे रहा है भाई, माइक को रखेंगे नीचे। सेम इसके भी 20 रैप, और दोनों में लास्ट वाला सेट जो होगा वो ड्रॉप रहेगा। ठीक है, और बैक का वर्कआउट करते हैं यही खत्म। हम करेंगे अपना कार्डियो ट्रेडमिल करेंगे 25 मिनट्स। ओके, ट्रेडमिल देखो कटिंग फेज में, वेट लूज में, पिछली वीडियो में बताया था रामबाण है, इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है फैट लॉस के लिए। और इसको हमें करना है इनक्लाइन, यानी कि ऊपर करना है हमें, हम इस पे रनिंग नहीं करनी है, स्पीड रखेंगे 5 या 6, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और इनक्लाइन 15 और स्पीड कर लिया मैंने 5, इसको करेंगे हम 25 मिनट। उसके बाद फिर से चलते हैं सीधा घर, फिर लेते हैं अपनी डाइट, वीडियो को करते हैं यहीं एंड, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सुबह हमने की थी चेस्ट और अब चल के करेंगे, सॉरी सुबह हमने खरी थी बैक और अब करेंगे हम चल के बाइसेप्स। तो आप सभी को दिखाएंगे क्या क्या करने वाले हैं। और भाई देखो, मेरी गाड़ी में ना सामान खिंडा ही रहता है, तो वो चीज माइंड मत करना, कहीं बैग पड़ा है, कहीं पीछे कुछ पड़ा है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं जिम में। दोस्तों जिम में पहुंच चुके हैं और हमने कर दिया अपना वार्म अप स्टार्ट। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपना वार्म अप करें और वार्म अप करके आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं पीचर बेंच मशीन से, और इसके वही 20 रैप 25 रैप्स, इसका लास्ट सेट ड्रॉप होगा, और इसको भी हम अल्टरनेट करेंगे। उसके साथ करेंगे हम डंबल से हैमर। तो चलिए डंबल से इसके साथ लगाते हैं हैमर। यस, और हैमर के भी वही 20 से 25 रैप, यानी कि एक साइड 20 रैप, यानी कि 40 हो गए दोनों। इसमें भी हम लास्ट का जो हमारा सेट रहेगा, लास्ट के सेट हम इसमें भी ड्रॉप करेंगे। ओके, अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। ये कर रहे हैं हम केबल से, और बाइसेप्स का साइज देखो, कमेंट करके बताना कितना इंच का लग रहा है और कैसा लग रहा है। और इसके भी वही 20 से 25 रैप करने वाले हैं। इसका भी हम जो हमारा जो लास्ट सेट होगा वो हम इसका ड्रॉप करेंगे। इसके साथ भी हम अल्टरनेट एक्सरसाइज लेंगे, इसके साथ लेंगे हम डंबल कर्ल। तो डंबल कर्ल मैं ले रहा हूँ बेंच पे बैठ के, आप चाहे तो खड़े होके भी ले सकते हो, बैठ के भी ले सकते हो, जो जैसे कंफर्टेबल हो वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और इसके भी हम वही 20-20 रैप रखेंगे, और इसको कम्प्लीटली प्यार से होल्ड करके ऊपर मसल्स को फील करके कंप्लीट करेंगे। इसका भी लास्ट वाला जो सेट होगा वो ड्रॉप सेट होगा, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कटिंग फेज में ड्रॉप सेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डंबल से हैमर, मतलब कि पीचर बेंच पे हम हैमर कर रहे हैं सिंगल हैंड। इसको भी हम अल्टरनेट करेंगे, और इसके भी वही 20 रैप्स, लास्ट वाला सेट ड्रॉप लगाएंगे। आपको ड्रॉप सेट में नहीं दिखा सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। सेम उसी वेट से कंसंट्रेशन करेंगे हम, सेम
वही रैप, 20 रैप्स, ठीक है। लास्ट का सेट इसमें भी ड्रॉप ही होगा। यस, रैप्स का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। 20 से 25 रैप, 20 से 25 रैप। वर्कआउट, हमारा मसल्स वर्कआउट ख़त्म, अब हम लगाते हैं अपने एब्स भाई, क्योंकि एब्स की तैयारी कर रहे हैं तो एब्स तो करना बनता ही है। और इसके करेंगे हम 20 20 के 4 सेट, ठीक है। कोशिश करेंगे 5 भी हो जाए, यानी कि 100 कंप्लीट हो जाए। और आज हम कर रहे हैं लोअर एब्स, ठीक है, हम लोअर एब्स ट्रेन कर रहे हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, ये भी लोअर एब्स के लिए, तो इसके भी हम करेंगे है 25 25 के 4 सेट, यानी कि 100, इसको 100 करेंगे, 25 25 के 4 सेट लगाएंगे बड़े प्यार से। नेक्स्ट, यस, बेंच को डिक्लाइन कर लेना है और इस पे फिर करना है, इसके भी हमें वही 25 25 के, इस पे भी हमें कंप्लीट 4 सेट करने हैं, यानी इसके भी 100 करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यस, जमीन पे लेट के, और इसके भी, इसके लगाएंगे हम 15, यानी कि 50 50 50 के 4 सेट, यानी कि 200, इसको 200 कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम करते हैं जो कि सबसे बेस्ट है, वो है प्लैंक। और प्लैंक के हम करेंगे यहाँ 5 सेट। पहला सेट मेरा 1.5 से 2 मिनट का होता है, वैसे 1 1 मिनट में कंप्लीट। और यहीं करते हैं वीडियो का।